तो गाइस बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो हमने सोचा चलो एक फन अमेजिंग वीडियो बनाते, तो शुरू करते हैं। हेलो जनता, आपके बिना हमारा दिन नहीं बनता। तो लो हम आ गए और एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज से मैं ना व्लॉग नहीं बोलूँगा, क्योंकि व्लॉग अपन जो भी होता था हम सब बता देते, बट अपन है ना अब से स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाएंगे जो थोड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छे अच्छे वीडियोज़ को सिंक कर करके बीच पर प्ले कर करके अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, आपको भी देखने में मजा आएगा। और हाँ गाइज, आज है 2 अक्टूबर और आज है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, बट हमारे लोग तो क्या समझने वाले हैं, विजय अपनी फैमिली को लेके पंजिम गया था बाबा जी के प्रवचन सुनने, बट नहीं, आज है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो मैंने काफ़ी टाइम पहले प्लान कर दिया था कि अपन जो भी हमारे घर में अभी हो रहा है उसको अपन है ना सिनेमैटिक वे में आपको बताएंगे, इसमें मज़ा भी आएगा क्योंकि अच्छे अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक आएंगे, कट्स लगेंगे। और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे ना एक बार ना क्वेश्चन टैग जो भी किया था उसको मैंने लिखा था, तो लोग मेरे को डेयर दे रहे थे कि पानी डालो अपने पे ये वो, बट एक और डेयर तो बहुत खतरनाक है, जैसे मम्मी के हाथ से थप्पड़ खाना। मैं भी थप्पड़ मारूंगी। अभी नहीं, अभी नहीं, वो मूड सेटिंग ऑन करेंगे तब। तो वैसे जिसने भी ये डिमांड किए ना बहुत सही किए। तो गाइस अपन इन सब बातों को रखते साइड में, तैयारी करते हैं सब डेयर्स की और सिनेमैटिक्स की, क्योंकि भाई कार्ड खाने की तैयारी करो। हाँ जो भी है गाइस, अभी फटाफट कार्ड खाली करते हैं और स्टार्ट करते हैं। रेडी करती हूं। हाँ याद रखना है, थप्पड़ मारना है, बम से उड़ाना नहीं है। तो गाइस सबसे पहला सिनेमैटिक शॉट होगा, हमारे घर में चल रहा है श्राद्ध। श्राद्ध क्या होता है आप ही बताओ। हमारे जो पूर्वज होते हैं पीढ़ी के, उन सभी की याद में हम लोग श्राद्ध मनाते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमको साल भर मिलता रहे, जिंदगी भर मिलता रहे। तो आप भी मनाओ, याद किया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वो जो पीछे कमरा दिख रहा है सो इग्नोर कर, गंदा ही रहता है। नहीं, उसमें दिवाली की सफाई चल। तो गाइस हमारे श्राद्ध का धूप ध्यान तो हो गया, अब अपन करते हैं सेकेंड डेयर। डेयर तो नहीं है बट इसको मेरे को बहुत टाइम से करना था, तो हमने सोचा आज बना ही लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, काकड़ी की बलि चढ़ाओगे? हाँ, बेसिकली हम क्यूक्यूम्बर को हवा में उड़ाएंगे और इस चाकू से मम्मी को मम्मी इसको काट देंगे, मम्मी को काट देंगे। मम्मी का श्राद्ध आज नहीं, क्या बच्ची हो रहे तुम। तो मम्मी क्यूक्यूम्बर को कट करेंगे और हम इसका शॉट लेंगे, तो ठीक है जो हमने बात बोला उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, गलती से टंग स्लिप हो गया। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे सेकेंड लोकेशन पे। हमारा कुकुम्बर वाला शॉट 100% तो नहीं था बट हाँ 70% था, और करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। और अभी अपन करेंगे एक डेयर जो मेरे फ्रेंड ने दिया है। तो उसने लिखा है डू समथिंग विथ स्मोक्स, इमोजी देख लो एंड फायर, यू गॉट मी ना। तो भैया इसका कहने का मतलब कुछ और ही है, इसको है ना सिगरेट का टाइम लैप्स चाहिए था, तो वो काफ़ी टाइम से बोल रहा है। तो हमने बोला सिगरेट विगरेट हम कुछ पीते नहीं और घर में लाएंगे भी नहीं, हमने सोचा अपन करेंगे स्मोक बॉम्ब से कुछ। तो हम लोग है ना तलवारबाजी करेंगे स्मोक बॉम्ब के साथ, मैं अकेला नहीं करूँगा, हमारे साथ महारथी भी है, हमारे ये लूज़र है मैं विनर अभी बोल देता हूँ। तो अपन है ना बहुत कुछ बहुत मज़ा आने वाला है, तो है ना ये भी शुरू करते हैं। चलो thank you.
पसीना ये है धरती फाड़ के ये आया है। तो गाइज ये था हमारा एक फन डेयर कंप्लीट किया। देखो भाई उसने बोला स्मोक, अब उसने फिर स्पेसिफिक मेंशन भी किया था सिगरेट, बट हमने बोला यार वो सब नहीं चाहिए अपने को। तो हमने सोचा चलो हमारे पास स्मोक बॉम्ब है तो स्मोक बॉम्ब का ही इस्तेमाल करके एक अच्छा सा बनाते। तो हमने तलवारबाजी कर ली जिसमें मैं विनर हूँ, ये लूजर है। ठीक है ना, लाइफ में कभी तो जीतना देना अभी उस, और उसने क्या बोला था फायर के साथ भी कुछ करना है। तो हमने सोचा चलो फायर के साथ भी हम कुछ करेंगे, परफ्यूम है ना यहाँ पे आग लगा देंगे और फिर परफ्यूम डालेंगे और वो देखते कितना फायर स्प्रेड होता है। और हाँ गाइज मैं अभी बोल देता हूँ, अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके ये सब घर पे ट्राई करना ही मत, सोचना भी मत, और करोगे तो फंसोगे। फंसोगे नहीं, घर से बाहर निकल जाओगे। तो ये सब चीज़ें मत करना मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद मेरे पापा मेरे को खूब डांटने वाले हैं। पर ठीक है चलेंगे। तो गाइस फाइनली हमने ना स्मोक के साथ फायर के साथ दोनों के साथ वो डेयर कंप्लीट कर दिया। मैं अभी बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, बच्चे प्लीज़ आप ये सब कोशिश भी मत करना। ठीक है अभी देखने तक ठीक है, हाँ, करना नहीं, देख के लाइक कर देना, बट ये सब ट्राई करने का सोचना भी मत, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो गाइस अभी अपन करते हैं हमारा नेक्स्ट डेयर जो काफ़ी लोगों ने लिखा है और वो मेरे को लगा हाँ करना चाहिए। उन्हें बोला वाटर बैलून लेके किसी के माथे पे पानी फेंको, मतलब खुद के माथे पे। हाँ मैं बोला यार दूसरों पे क्यों करें अपन, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज नहाया नहीं हूँ, नहाया तो हूँ बट एक और बार नहा लेंगे, तो मेरे पे ही ये वाटर बैलून फोड़ देगी। ठीक है लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइस आपके दिए हुए डेयर को मैंने कंप्लीट तो कर दिया, पानी तो मेरे पे गिर गया, बट ये क्या है भाई, ये डेयर में नहीं था, क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। ये मेरा डेयर था। ठीक है गाइस अच्छा लग रहा हूँ, लाइक कर देना, अब मैं आपको नहा के मिलता हूँ। ठीक है तो गाइस फाइनली हम थोड़ी देर सो गए और नहा धो के नीचे आ गए और अभी अपन करेंगे वो लास्ट डेयर। अभी करने को तो बहुत सारे डेयर थे बट मैंने सोचा वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपन ये डेयर को लास्ट डेयर रखते हो, और पार्ट टू वीडियो अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना तो हम बनाएंगे। तो अभी लास्ट डेयर है कि मेरे को मम्मी के हाथ से थप्पड़ खाना है। जिसने देखो बोला है ना थैंक यू। देखो कितने तैयार हो, सफाई कर रही थी। तो गाइस चलो स्टार्ट करते। सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है।
गाइस मम्मी ने तो यार जोर से चिपका दिया। अब मेरी बारी। क्या तेरी क्या बारी? क्या बारी बारी क्या गांधी जी आज गांधी जयंती इसके ये मतलब नहीं कि इस साइड भी मारो तो इस साइड भी दो। हाँ, देख सकते हो अगर लाल लाल दिख रहा कान बज रहे तो कोई मार। चलो एंडिंग इसके साथ ही करते हैं ठीक है। तो गाइस अभी दोनों ने इधर इधर दोनों पे अपने अपने उंगलियां चिपका दिए। ऐसे डेज अगली बार से मत लिखना ठीक है। और हाँ गाइस अगर आपको इसका पार्ट टू वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बोल देना। अगर आप चाहते हो कि कोई डेयर भी हो तो वो भी मेरे को कमेंट करके लिख देना तो हम सोचेंगे उसको करने का या नहीं करने को। और ऐसे डेट्स तो देना ही मत कि थप्पड़ खा वो खा मुक्के खा ये खा। और भाई साहब कोई लोग तो ऐसे डेट्स लिखे 15-20 फुट से कूद जा फिर मिर्ची सूंघ ले छींक ले। भाई आफ्टर ऑल छींक नहीं तो ले मैं अभी छींक लेता वो करूँगा। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से ना इसको जूते से मारने का। हाँ गाइस ऐसा डेट्स कुछ नहीं चाहिए बस ठीक है नॉर्मल डेज लिखना। थप्पड़ मारने वाला तो चाहिए ही नहीं बस 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 बहुत बरसा देंगे लाइक। तो गाइस इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर देना मेरे थप्पड़ के लिए लाइक कर देना और कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बता देना। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं करो आजकल सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ बी हैप्पी बाय अडियोस अमिगोस।